दोस्तों, आप जानते हैं कि जीव जगत में उड़ने की क्षमता केवल कीट पतंगों और पक्षियों के पास ही है। पक्षियों की तरह ही कीटों की दुनिया भी बड़ी रोचक है। इनका भोजन करने व उड़ने का तरीका दोनों ही मजेदार है। अधिकांश कीट बुक्कड़ किस्म के होते हैं, जो पत्तियां, छाल, फल फूल, पराग और यहां तक कि अपनी ही जाति के दूसरे कीटों को खाने से नहीं चूकते। इनके लार्वा तो सारा समय सिर्फ खाते ही रहते हैं। व्यस्क कीट फूल फल का रस पीकर संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेंटिस की बात ही बहुत निराली है। यह किसी पौधे की हरी डाली पर शिकार की तलाश में बिना हिले डुले बैठा रहता है, जैसे कोई भक्त अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हो। जी हाँ, बगुला भगत जैसा। मेंटिस 3 से 15 सेंटीमीटर लंबा कीट है, जो दुनिया में हर जगह मिलता है। घास के मैदान और आपके बगीचों में बरसात के दिनों में विशेषकर इसे आसानी से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे राम जी का घोड़ा कहते हैं और कुछ कच्ची घोड़ा। कुछ मेंटिस का रूप रंग तो ऐसा होता है कि वे आपके सामने पौधे की किसी शाखा पर बैठे हों और आपको पता तक ना चले। कुछ बिल्कुल हरी पीली पत्ती जैसे, तो कुछ एकदम सूखे डंठल से, तो कुछ बिल्कुल फूलों के जैसे दिखाई देते हैं। मेंटिस का शरीर लंबा पतला होता है। ये भूरे, हरे या चमकदार गुलाबी किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसके मुख्य शिकार जीवित कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें ये अपने प्लायर जैसी कांटेदार मजबूत अगली टांगों से पकड़ता है। कीटों की दुनिया में मेंटिस ही अकेला कीट है जो अपने सिर को किसी भी दिशा में घुमा सकता है। मेंटिस की आगे की टांगे बहुत शक्तिशाली और अपेक्षाकृत लंबी होती हैं। तेज कांटेदार दांतों युक्त इन टांगों का उपयोग ये अपने शिकार को झपटने और पकड़े रखने के लिए करता है। जब यह इन्हें शिकार को पकड़ने के लिए जोड़ता है, तो ऐसा शिकंजा बनता है जिससे छूट पाना असंभव होता है। अपने शिकार के इंतजार में जब यह किसी टहनी पर बैठा रहता है, तो इसकी मुद्रा ऐसी लगती है मानो हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा हो। इसी के चलते इसे प्रेइंग मेंटिस नाम मिला। जैसे ही कोई कीट इसे नजर आता है, यह बिजली की तेजी से उसे अपने अगले पैरों से जकड़ लेता है। यह क्रिया मात्र 0.05 सेकंड में हो जाती है। इसके पैरों पर बने कांटे इसके शिकार में चुभ जाते हैं, अतः शिकार इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। हालांकि वो इसकी मजबूत पकड़ से छूटने का असंभव प्रयास जरूर करता है, और यह बगुला भगत इत्मीनान से उसका भक्षण करता रहता है, जब तक कि उसका नामो निशान ना मिट जाए। इसका रंग इसे पत्तियों, डालियों और फूलों में छिपे रहने में मदद करता है। इस तरह यह अपने शिकार को नजर भी नहीं आता और खुद शिकार होने से बचा रहता है। इसके शिकंजे में छिपकली और छोटे पक्षी तक फंसे देखे गए हैं। इसे हाथ जोड़ा बैठा देख पानी में एक टांग खड़े बगुले की याद आती है, अतः इसे हम जमीन का बगुला भगत कह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।